सभी का पुनः आज की कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम देखेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्या क्या सूचक है, अर्थात कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को प्रदान की जा रही है, व्यक्तियों को प्रदान की जा रही है। आइए इस पर नजर डालते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सूचक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सूचक। शिक्षा के सूचक, इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। तो अब हम देखते हैं कि पहला इंडिकेटर क्या है, पहला सूचक क्या है जो बताए कि हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। आइए देखते हैं इसे। तो पहला सूचक है, इसे हम एक इस तरह के ग्राफ के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्या क्या सूचक है। पहला है रोजगार प्राप्ति, रोजगार की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्थात जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध हो पा रहा है या नहीं। यदि रोजगार उपलब्ध हो पा रहा है, वे आत्मनिर्भर बन पा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं, अपने जीवन निर्वाह साथ अपने परिवार का भी जीवन निर्वाह कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है। आइए अब दूसरे सूचक को देखते हैं कि दूसरा सूचक क्या है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बताता है। दूसरा है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, अर्थात ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। जिस शिक्षा में हम देखते हैं कि बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ है, उनका सामाजिक विकास बहुत बेहतर हो रहा है, उनमें नैतिकता की उन्नति हो रही है, अर्थात सारे एस्पेक्ट से विद्यार्थी उन्नत हो रहे हैं, तब समझना चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यालय प्रदान कर रही है, उस देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। तो आइए आगे के इंडिकेटर्स को देखते हैं कि आगे का इंडिकेटर्स क्या है। चलिए, सकारात्मक मानसिकता का विकास, सकारात्मक मानसिकता का विकास, इसका मतलब क्या हुआ, मानसिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिविटी, अर्थात जिस शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है और नकारात्मकता से वे दूर हो रहे हैं और आशान्वित हो रहे हैं और अपने जीवन में आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं नकारात्मकता को, डिप्रेशन को पीछे छोड़ते हुए, तो समझना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रदान की जा रही है। जिस समय सकारात्मकता का विकास होगा बच्चों में, उसी समय समझना चाहिए कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण सूचक है। आइए आगे के सूचक को देखते हैं कि आगे का सूचक क्या है। शिक्षितों की संख्या में वृद्धि, शिक्षितों की संख्या में वृद्धि, तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि जैसे जैसे शिक्षितों की संख्या में वृद्धि होगी, अधिक से अधिक लोग पढ़ेंगे, साक्षरता और लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा होगा, तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्वालिटी उनको मिल ही रही है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो रहे हैं, उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है, उनका रोजगार प्राप्त हो रहा है, तो इसी लालच में व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं, अपना आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हर पक्ष उन्नत कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन प्रदान की जा रही है। आइए आगे के सूचक को देखते हैं कि और क्या सूचक है जो बताता है कि
क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन दिया जा रहा है, नैतिकता का विकास, मोरालिटी डेवलपमेंट, नैतिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी। हम सब तो जान रहे वर्तमान समय भौतिकवादी समय है, हम भौतिक सुखों की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आध्यात्मिकता से एकदम दूर होते जा रहे हैं। जिस शिक्षा में हम भौतिक ज्ञान को प्राप्त कर साथ ही आध्यात्मिक रूप से भी हम उन्नत हो रहे हैं, तब समझना चाहिए कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन दिया जाए, अर्थात भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी अगर विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं तो समझना चाहिए कि निश्चित रूप से उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। आइए आगे के इंडिकेटर पर नजर डालते हैं कि आगे का इंडिकेटर क्या है, और है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, इसका क्या तात्पर्य हुआ? हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन रही है, तो ये सब तो हम जानते हैं कि शिक्षा से ही व्यक्ति की पहचान निकल करके आती है, देश का, जिला का, समाज का, सब शिक्षा के माध्यम से ही अपने एक स्थान बनाते, पहचान बनाते। तो जिस देश के विद्यार्थियों की पहचान, जिस देश की पहचान अन्य देशों में बेहतर बन रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत विकसित हो रही है, तो समझना चाहिए कि उस देश में, उस देश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो आज हमने देखा कि कुछ ऐसे सूचक हैं जो बताते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को प्रदान की जा रही है या नहीं। अब आप बताइए कि हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है या नहीं। आप आंसर लिखिए और मुझे व्हाट्सएप पर दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।